हमीरपुर के अणु से बड़ू संपर्क मार्ग पर सफर करना दुर्घटना को न्योता दे रहा है और अणु सड़क से आने पर वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले राहगीरों को भी हर वक्त हादसा होने का अंदेशा बन रहा है। सड़क पर जगह जगह पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे हैं तो कई जगहों पर तो बीच सड़क पर सरिया भी निकले हुए हैं जिससे आवाजाही में दिक्कतें बन रही हैं। हालांकि स्थानीय अणुकला बल के वासिंदों ने कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग को समस्या के बारे में अवगत करवाया लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग खानापूर्ति करने के लिए केवल मात्र मिट्टी से गड्ढों को भर देती है जो कि जरा सी बारिश होने पर दोबारा से वैसी ही स्थिति बन जाती है। बीते दिनों हुई बरसात के बाद तो सड़क पर आवाजाही करना मुश्किलों से भरा पड़ा है। इस संपर्क मार्ग से अणुकला बल घनाल मोही रोपा के सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं लेकिन सड़क की हालत को लेकर लोगों में भी गहरा रोष है। वहीं स्थानीय लोगों रमेश चंद, सुनील धीमान, रवि कुमार, सतीश आर्यन आदि ने बताया कि बड़ू से अणु संपर्क मार्ग की हालत खराब होने पर छोटे और बड़े वाहन गुजरना मुसीबतों भरा बना हुआ है, इसीलिए अक्सर लोग इस सड़क से जाने से किनारा ही करते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार विभाग से भी सड़क को दुरुस्त करने की गुहार लगाई है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने जिलाधीश डॉक्टर ऋचा वर्मा से मांग की है कि संपर्क मार्ग की हालत को जल्द सुधारा जाए। देखो खड्डे पड़े हैं, जगह जगह खड्डे पड़े हैं, ठीक है। मैं इस पंचायत का एक्स उप प्रधान हूँ और सड़क की हालत तो बहुत ही गंदी हो चुकी है, बन सकते हैं ये तो घोषणा है, बाकी आदर्श गांव कैसे बनेगा। सड़क की हालत देख लो, क्या क्या हाल है, कैसे खड्डे पड़े हैं, ऊपर से कॉलेज से लेकर नीचे तक देख लो, खड्ड बनी हुई है पूरी। तो इसमें जो ये सड़क है ये बहुत खराब है, बहुत बुरा हाल है इस रोड का। कॉलेज से लेकर प्रधानमंत्री सड़क योजना में आज से 15-16 साल पहले बनी थी और ये बड़ू तक जाती है, 6 किलोमीटर का पैच है ये, ठीक है। ये सड़क बार बार उखड़ जाती है और आपने देखा होगा कि इस वक्त सड़क की इतनी हालत ख़राब है कि वहाँ आदमी पैदल नहीं चल सकता है। तो पीडब्ल्यूडी महकमे को कई बार जो है वो विधायक महोदय ने भी बोला है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और पीडब्ल्यूडी महकमा जो है इस तरह ध्यान नहीं दे रहा है। उनको मैंने ये मामला कई बार उठाया उनके से, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। हमारे गांव में 2 महीने पहले जनमंच कार्यक्रम हुआ था जिसमें विधायक महोदय आए थे और उन्होंने कहा था कि वहाँ एक जेई भी आई थी, एक लड़की, और उनको आदेश दिए थे कि तुरंत इस सड़क की रिपेयर करें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यहाँ ये जो आपने टूटे हुए पैचेस देखे हैं इनमें जो है वो टाइलें लगनी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये बार बार सड़क टूट जाती, लोगों को परेशानी होती है। गाँव जो है सारा मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में ये मुद्दा लाएगा, डीसी साहब से भी बात होगी क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो है वो कुछ संवेदनशील होना चाहिए, बरसात में सड़कें टूट जाती हैं और कम से कम उनको जो है तुरंत जो है रिपेयर करवाया जाए। हमने गर्मियों में ये बात की थी 2 महीने पहले कि इसको रिपेयर कराया जाए लेकिन तब भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और बरसात में ये सड़क बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। मैं पीडब्ल्यूडी से निवेदन करूँगा कि इस सड़क को तुरंत से तुरंत इसकी मरम्मत करें।